तो भैया जी, आज प्लान है थोड़ा सा कहीं जाने का, लेकिन थोड़ी देर में बताऊंगा कहाँ जाना मैंने, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मैंने इजाज़त लिया जाने की, और तकरीबन कोई 3 महीने सोचा मैंने जाऊं कि ना जाऊं, जाऊं कि ना जाऊं, तो फाइनली मैंने सोचा कि जाना चाहिए। तो थोड़ी देर में आपको बताता हूँ कि मैंने कहाँ जाना है और उधर हमने जाके क्या खाबे करने हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, ठीको ना तो यार सीन कुछ ये है कि मैं जा रहा हूँ गुजरांवाला दोस्त के पास, लाइफ में पहली बार आउट ऑफ सिटी जा रहा हूँ। मैंने बाइक जाना होता है तो परमिशन लेनी पड़ती है उसके लिए जी, अच्छी खासी, कि किधर जाना है, क्यों जाना है और क्या करने जाना है। तो यार गुजरांवाले की जो इजाज़त है ना, वो इतनी आसानी से नहीं मिली। ठीक है, मैंने अब्बा जी को जाके कहा कि मैंने गुजरांवाले जाना है, तो भाई कहते कोई ज़रूरत नहीं है जाने की, लेकिन मैंने फिर उससे पे कहा कि मैंने जाना है। ठीक, अरे छोड़, प्लीज सरकार, अरे छोड़ मुझे। नहीं छोड़ूंगा सरकार। पैकिंग कर लेते हैं जी, स्टार्ट जल्दी से। रेडी तो निकलते हैं हम। फाइनली हम गुजरांवाला पहुंच चुके हैं। ये जो मेरा शर्मिला था दोस्त है सल्लू, ये वीडियो बनवाना नहीं चाह रहा अपनी, और औरत बनने का शौक है, औरत बनने का शौक है। रास्ते में मेरा जरा मोबाइल बंद हो गया था, तो इस वजह से मैं बस की वीडियो बना नहीं सका। अब हम जा रहे हैं जी खाने पीने किसी अच्छी जगह। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सल्लू साहब कह रहे थे दाल चावल खा लेते हैं, लेकिन मैंने सल्लू को कहा कि पहली दफा गुजरा वाले आओ, तो भाई कोई देख जहाँ पे मांस मिले, कोई गोश्त कुछ खाने के लिए मिले। तो अभी हम जा रहे हैं किसी अच्छे से रेस्टोरेंट खाना खाने। सल्लू भाई मुझे खिलाएंगे ये छोटे गोश्त की कढ़ाई, तो अब मैं आपको रेस्टोरेंट में जाके दिखाता हूँ कि सल्लू भाई हमें किस किस्म के रेस्टोरेंट में लेके जा रहे हैं। तो जी खाना आ चुका है, लेकिन कढ़ाई रहती है अभी रेशमी कबाब, कस्तूरी कबाब स्पेशल उनके कहने पे। हमारा होटल इसमें से कुछ भी नहीं है, ये उन्होंने स्पेशली कहा था हमारे कहने पे खाएं, तो ये हम अब खा रहे हैं। जी जी सर, शुरू कर रहे हैं। देखें जी, कह रहे हैं टेस्ट करके बताएं कैसा है, तो बताते हैं अभी कैसा बना। मटन कढ़ाई आ चुकी है, सलूंगे पैसों की, सलूंगे पैसों की, सारी चीज़ें मज़े की है, बहुत मज़ा आ रहा है मुफ्त में खाने का। क्यों सलू बोल आप। जी तो बहुत मजा आया खाना खाने का, अल्हम्दुलिल्लाह सब खाली हो चुका है। ठीक, और ये सलू साहब बात रहे, सलू मिल कितना बना बता देना, चलो बता, नहीं चलो बता देते बिल कितना भरा है। कल किसी बात शर्माता बोलता मेरा भाई, ये तो कैमरे के साथ फिर यार आ जाता, तो लिटरली मजा आ गया बहुत ज्यादा। अब मुझे ये सल्लू मीठे में गया, चलो बता ऊंची बोल रहा यार आइसक्रीम। ठीक है, ये मैंने से इसने प्रॉमिस लिया मेरे से, मैं वीडियो पे नहीं आऊंगा, लेकिन आवाज का प्रॉमिस लिया, तो एक दफा फिर सुने जरा क्या मीठे में। चलो मीठे में बता गया जल्दी आइसक्रीम। तो अभी हमने इसके साथ खाने जाना आइसक्रीम, उधर देखते जाके बाकी ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं छोड़ा हमने, सब कुछ खा लिया। अजीब जानवर है, कितना भी खाए फूका ही रहता है। कौन सी जगह घुमा रहा है दादा, बोलता जा, ये कौन सी जगह फिर रहे हैं आप? गुलशन इकबाल पार्क की फिर रहे हैं, और मुझे क्यों लग रहा है कि ये कोई पीछे से मेरा मोबाइल छीन के ले जाएगा। मैंने इतनी आगे कर ली है, मुझे डर लगा कि छीन ले आ गया। और सब मैं थोड़ी वो वीडियो बना नहीं सका, सल्लू ने पीछे काफी रेस्टोरेंट दिखाए हैं और प्लाजे दिखाए हैं, माशाल्लाह काफी कुछ है, मतलब आगे से बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका है। जैसा एक इधर मैं आ चुका हूँ पहले गुजरांवाला में, कोई 8-10 साल पहले, लेकिन जब ये कॉफी का है ना, अब माशाल्लाह काफी ज्यादा डेवलप हो चुका है। ये हम जी शहीनाबाद गिर रहे हैं, आज शहीनाबाद आ गया, शहीनाबाद आना गर्दी हो रही है हमारी काफी अच्छी खासी, और देखते हैं बाकी हमने क्या करना है। हाँ भाई डबल से आने का।
सलू भाई ले गया है मीठे के लिए जेपीज पे, बहुत मजे की चीज है सलू यार, तेरा बहुत शुक्रिया, तो बड़ा प्यारा लग रहा मुझे, लेकिन वीडियो नहीं आएगी तेरी, तू टेंशन ना ले। और यकीनन यार ये भाई ने ना कमाल कर दिया, मजे की आइसक्रीम खिला रहा है, और इसके बाद सलू क्या खिला रहा है नहीं इसके बाद इसके बाद हमारा सीन है जलेबी दूध का, तो वो भी हम इंशाल्लाह पिएंगे और आपको दिखाते हैं कि कितनी मजेदार है वो। फिर अचानक हमारा जो है ना वो मूड बन गया बाहर जाने का, और ये सलू बताएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। सलू अरे कहाँ जा रहे हैं हम, पूरा बता रहा कहाँ जा रहे, तो तेरा जो शर्मिला दास देना पूरा बता, सब चाय पीने जा रहे हैं मेरी फरमाइश पर। सलू साहब कह रहे थे नहीं जाना, लेकिन मैंने कहा था मैंने पीनी है तो हम जा रहे हैं। मजा आ गया यार इस टाइम, बाकी हमारा गर्दी का मजा और ऊपर से सबा चाय मिल जाए। सलू तू बाकी नहीं बदला, तू हमारा गर्दी रह रहा, और तूने मुझे भी बुला दिया। गुड मॉर्निंग, तो जी सलू साहब लेके जा रहे हैं नाश्ता करवाने के लिए। सलू कहाँ लेके जा रहे हैं नाश्ता करवाने के लिए यार, बोल कुछ नहीं होता तेरी आवाज को हद होगी, बता ए मेरी बोल बोल जल्दी कल है पीपल्स कॉलोनी गुजरा वाला में क्या नाश्ता करवाएगा, जल्दी था हलवा पूड़ी खिलाने लेने जा रहा है, और ज्यादा नहीं खानी हमने, बस दो दो तीन दिन खा रही है, ज्यादा नहीं खा रही। मुझे हमारा घर दी कराते नहीं आती मेरी वीडियो, इतना तो शर्मिला तो आधे हाथ रख लेता हूँ मैं। भाई यार कितने दूर रह गया नाश्ता हमारा है, 5 मिनट हम नाश्ते से दूर है, और फिर ऐसा क्यों लग रहा है कि तल्लू तूने नाश्ते में भी गोली करा दे रही है, अच्छी गल थी, तूने कह रहा है बोल खाते यार ये अभी रात का नीचे नहीं वाला, फिर नाश्ते के लिए उठा दिया इसने के नाश्ता करने जाना है, बस ये खा के ना नाश्ता, ए नाश्ता खा के जाते ना मुझे रात का खाना खिलाएगा। और के लिए वापसी जो है वो हो गई है, ठीक है सलू छोड़ने आया मुझे, अरे सलू इधर देख अल्लाह हाफिज कर, क्या कह रहा था बोल जरा, अरे बता तुझे एक मिनट अल्लाह, अच्छा चल बोल बताया तेरे से अच्छा नहीं आता यार बीच में नहीं आता, ओके फिर देखे जी दलू मिलता, ओके जी अल्लाह हाफिज, और अब दोबारा कब आऊँ बहुत बड़ी फिल्म है, ठीक है तो चला दो और जाके बात होती है आपसे। फाइनली रीच्ड होम, और लिटरली बहुत मज़ा आया मुझे, सबसे पहले तो सल्लू का बहुत ज़्यादा शुक्रिया जिसने इतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी की। एक पप्पी इधर, एक पप्पी इधर, और काफ़ी मज़ा आया, यानी कि फर्स्ट टाइम था मेरा लाहौर से बाहर किसी फ्रेंड के पास ऐसे रहना, तो वाकई बहुत मज़ा आया। और वो कहते हैं ना कि चाका लथने की देर होती है, अब मेरा लत गया चाका, तो इंशाल्लाह हर महीने किसी ना किसी दोस्त के पास आउट ऑफ सिटी मैंने लाजमी जाना है। और इंशाल्लाह अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ठीक है मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।